हेलो एवरीवन, मैं अनु और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें क्या है, एक एपी दिया गया है और कह रहा है कि एपी का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा जो संकेत दिया गया है एन लेस देन जीरो के लिए एन ज्ञात करना है। मतलब एक एपी दिया गया है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, मतलब ऋणात्मक पद कौन सा सब जो होगा, इसमें जो ऋणात्मक पद होगा वो कौन सा सबसे पहला होगा, वो इन ज्ञात करना है। और एक संकेत में दिया गया है इन, मतलब लास्ट वाला जो पद है वो लेस देन जीरो, जीरो से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे एक एपी दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एपी एपी दिया गया है 121, 117, 113 और ए संकेत में दिया गया है एन लेस देन जीरो और एन हमें निकालना है, वो ऋणात्मक पद निकालने हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, ए तो हमारा दिख रहा है 121, डी क्या हो जाएगा 117 माइनस 117 माइनस 121 तो कितना हो जाएगा -4, डी का वैल्यू हमारा -4 आ गया। तो हमें वो पद निकालना है, एन दिया गया है तो एन के फॉर्मूले से एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है 121 प्लस एन नहीं पता, डी का वैल्यू -4 है, क्या हो जाएगा 121 और यहाँ पे देखिए -4n हो जाएगा और माइनस माइनस +4 इक्वल नहीं छोड़ देते, अब क्या हो जाएगा एन इक्वल टू 121 और 4 125 माइनस 4n। अब यहाँ पे देखिए चूंकि क्या, चूंकि दिया हुआ है एन लेस देन जीरो, एन लेस देन जीरो है तो हम यहाँ पे ऐसे इसको ये कीजिए 100, इस साइड आए इसको हम लिख सकते हैं 125 माइनस 4n लेस देन जीरो, एन का वैल्यू क्या लेस देन जीरो है 125 और ये उस साइड गया 4n, अब क्या हो जाएगा n 125 डिवाइडेड बाय 4, चार तिहाई 12 और 5 चार एकम 4 4 2 8 31.n ग्रेटर देन 31.2। तो अब क्या हो जाएगा 2 और 5 यानी 25 हो गया, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं n का वैल्यू 32 आंसर, मतलब क्या हुआ जो 32वां पद है वो पहला ऋणात्मक पद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, गिवन दैट क्या दिया है, या जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो लिखते हैं। लिखा है किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें ए थ्री प्लस पदों का योग 6 दिया गया है और फिर क्या कह रहा है और उनका गुणनफल 8 है, इसी का गुणनफल ए थ्री इंटू एस सेवन इक्वल टू 8, गुणनफल 8 है तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 16 पदों का
योग ज्ञात करना है, मतलब कि एस 16 ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दिया गया है A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, A7 को क्या लिख सकते हैं A+6D = 6। अब A और A 2A + 6 और 2 8D = 6। अब यहाँ पे इसमें 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, A+4D = 6 होगा ना। 2 से 3 कैंसिल, क्या होगा A+4D = 3। इक्वेशन फर्स्ट इसको रखते हैं, ठीक है। और इसी में हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 - 4D। इस इक्वेशन को हम A रख लेते हैं। अब और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब दिया गया है तीसरा पद और सातवां पद का गुणनफल 8 है। A3 into A7 = 8। A3 को इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं A+2D A+6D, A7 = 8 लिख सकते हैं ना। अब इसको अब क्या कीजिए, A का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, A का वैल्यू इक्वेशन A जो रखे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें हम A का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ A इन, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इन इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में हम A का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 - 4D + 2D, ये हुआ 3 - 4D + 6D = 8। अब यहाँ पे देखिए 3 और माइनस और प्लस, -4D और +2D, तो -2D, 3 - 2D। अब यहाँ पे क्या है, 3 और -4D और +6D, तो क्या हो जाएगा +2D = 8। अब a - b और a + b, तो किस फॉर्म में आएगा, a² x² - b² तो a² 3² - 2d² = 8 होगा ना। 3 * 3 = 9 - 2 * 4d² = 8। अब -4D² 8 - 9 क्या हो जाएगा, -4D² = -1 होगा ना। अब ये माइनस थी, ये माइनस कैंसिल, D² = क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, तो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो +-1/2 आ जाएगा ना। तो हमारा D का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे D का वैल्यू 2 है, एक प्लस में एक माइनस में, तो हम प्लस में भी सॉल्व करेंगे और माइनस में भी सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे D = 1/2 का मान समीकरण
वन में रखने पर, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो पहले प्लस वाला डी का मान रख लेते हैं। समीकरण एक ए में रखने पे ए का वैल्यू ए इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी था, ए में ही था, तो क्या आ जाएगा ए इक्वल टू थ्री माइनस फोर डी। इससे हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें हम डी का वैल्यू पुट कर देंगे तो थ्री माइनस फोर इंटू वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, इक्वल क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू इक्वल टू वन। जब हम डी का वैल्यू प्लस रखें तो वैल्यू हमारा ए का वैल्यू वन आया। अब उसी तरह डी इक्वल माइनस वन अपॉन टू का मान, समीकरण एक में रखने पर ए इक्वल थ्री माइनस फोर इंटू डी का वैल्यू माइनस वन पॉइंट टू, फिर भी क्या हो जाएगा टू थ्री। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये टू से टू कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे थ्री और टू, सॉरी यहाँ पे टू ना आएगा, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा फाइव। एक का वैल्यू वन आया और एक का वैल्यू फाइव आया ए का मान, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है आगे देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ए 16 ज्ञात करना है, ए 16, तो 16 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एक बार हम इसमें भी ए का वैल्यू डी का वैल्यू लेंगे हम माइनस और प्लस दोनों में, और ए का वैल्यू भी अलग लेंगे। तो देखिए ए 16, एक 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 अपॉन टू एन बाई टू इंटू टू ए, टू इंटू ए, ए का वैल्यू एक बार वन है, टू वन रख दिए, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 16 माइनस वन इंटू, जब हमारा ए का मान वन था तो डी का वैल्यू, ए का मान वन था तो डी का वैल्यू पॉजिटिव था, यानी वन बाई टू था, डी का वैल्यू वन बाई टू। अब देखिए यहाँ पे एट टू जा एट हो गया, यहाँ पे टू इंटू टू प्लस फिफ्टीन बाई टू, फिफ्टीन बाई टू एट इंटू, अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, टू 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 जा फोर प्लस फिफ्टीन क्या हो जाएगा एट इंटू नाइनटीन अपॉन टू, फोर टू जा एट क्या आएगा सेवेंटी सिक्स। 16 पदों का योग जब हमारा पॉजिटिव लेते हैं डी का वैल्यू तो 76 होगा। अब एक बार डी का वैल्यू ए 16, यहाँ पे जब डी का वैल्यू वन अपॉन टू और ए का वैल्यू वन था, अब क्या करेंगे डी का वैल्यू माइनस वन अपॉन टू और ए का वैल्यू फाइव, तो ए 16 इक्वल टू 16 अपॉन टू इंटू टू इंटू ए का वैल्यू फाइव प्लस एन माइनस वन, 16 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू माइनस वन बाई टू, पांच दोनों दस प्लस पंद्रह
प्लस माइनस माइनस 15/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 8 × 2 LCM होगा, 20 माइनस 15/2। यानी कि 20, यानी इस 16 का वैल्यू 20 आंसर। अब उसी तरह हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। सीढ़ी की क्रमागत डंडे, यानी ये डंडा है हमारा, ये भी डंडा है, ये भी डंडा है, ये भी डंडा है, जो इनके बीच की दूरी है वो आपस में परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगी हुई है। और क्या कह रहा है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जा रही है। मतलब देखिए, सबसे नीचे वाला जो डंडा है 45 सेंटीमीटर का है, फिर थोड़ा सा कम रहा है, क्योंकि फिर कम रहा है, फिर कम रहा है, और लास्ट में आकर 25 सेंटीमीटर का हो गया। तो ये आपस में परस्पर घटती जा रही है, तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई जो है 45 सेंटीमीटर है, जो मैंने बताया अभी 45 सेंटीमीटर की, और सबसे ऊपर वाली डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचली डंडे के बीच की दूरी 2.1/2 सेंटीमीटर है, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। देखिए, कह रहा है कि ऊपर वाली डंडा और ये नीचे वाली डंडा, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर है और ये 45 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी है 2.1/2 पूरी दूरी, और ये तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है ही। तो कह रहा है ये पूरी सीढ़ी बनाने में लकड़ी की कितनी आवश्यकता होगी। और एक संकेत भी दिया है कि डंडों की संख्या जो है, संकेत दिया है डंडों की संख्या 25/25+1, मतलब 250/25+1 संकेत में दिया है डंडों की संख्या। तो डंडों की संख्या हम निकाल लेते हैं संकेत से ही। तो देखिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 25 होगा और ये 250 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 5 × 7 और ये 25 एक बार में और 25 एक बार में, मतलब पूरी डंडे की संख्या 11 आ गई। डंडों की संख्या 11 तो आ गई। अब बनाई गई सीढ़ी में लगी लकड़ी की आवश्यकता कितनी है वो निकालना है। तो इस सीढ़ी के अकॉर्डिंग से ए हमारा निकल गया, ए 45 है, ये हमारे एपी की तरह दिख रहा है, पहला था थोड़ा ज्यादा था, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा, फिर 25 सेंटीमीटर पे आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम ए इक्वल टू 45 लिखेंगे, 45 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिख रहा है, डंडों की संख्या एन निकल गई, एन इक्वल टू 11, डंडों की संख्या 11 है। और देखिए, और क्या है, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में डंडों की संख्या, डंडों की लंबाई 25 है, तो लास्ट है एन इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या, 11 डंडे सीढ़ी में, और सीढ़ी में है पूरे, तो उसमें लगाई गई लकड़ी की आवश्यकता कितनी है वो निकालना है। तो क्या निकालेंगे, एस 11, ये हमें निकालना है। तो आते हैं फॉर्मूले से, एस 11
एन बाई टू इंटू एन बाई टू इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस एल वाला फॉर्मूला एल या एन इसको भी बोल सकते हैं इलेवन अपॉन टू इंटू ए का वैल्यू क्या है 45 प्लस एन का वैल्यू 25। अब यहाँ पे देखते हैं एस 11 इक्वल टू 11 अपॉन टू इंटू 45 और 25 5 10 और 4 टू 6 7 यहाँ पे 35 11 इंटू 35 मल्टीप्लाई कीजिए 5 यानी 385 सेंटीमीटर पूरे लगेंगे कितने 385। अब उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या 3 क्या के पहले सीढ़ी का संकेत से ही हम डंडों की संख्या निकाल लिए और ये क्वेश्चन से ही हम क्या किए इसका जो दिया हुआ था वो निकाल लिए और फिर उसमें लगे लकड़ी के। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है लिखा गया एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए और संकेत दिया गया। कह रहा है कि एक पंक्ति के एक से लेकर 49 तक एक मकान क्रमागत आपस में अंकित है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले x से अंकित मकान से पहले की संख्याओं का योग उसके बाद के मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है क्या दिया गया है इस x माइनस 1 इक्वल टू x 49 माइनस एस एक्स। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम जो दिया गया क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। एक से लेकर 49 तक क्या दिया गया है एक मकान को अंकित किया गया है। तो यहां से हमें एक एपी दिखता है 1 2 3 4 5 .. 49 तक मकान को अंकित किया गया है। तो बस हम संकेत से हम और इस एपी के हेल्प से हम x का वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 और लास्ट में a n का वैल्यू क्या हो जाएगा 49। अब हम क्या यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस x माइनस 1 इक्वल टू x 49 माइनस एस एक्स। अब x x माइनस 1 अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं। एस एन का वैल्यू क्या होता है n बाई टू इंटू तो देखिए एस एन एन की जगह पर हम क्या करेंगे x माइनस 1 तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2a 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 ये पूरा हो गया n x माइनस 1 जो है हमारा n हो गया n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 1 इक्वल x 49 इन अपॉन
टू इंटू टू ए, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन, 49 माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे माइनस एस एक्स को एक्स अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एक्स माइनस वन इंटू डी का वैल्यू वन। आप भी देखिए सही है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन टू, टू प्लस, अब यहाँ पे देखिए माइनस वन माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा वन से डिवाइड किए तो यहाँ पे एक्स माइनस टू इक्वल टू 49 अपॉन टू इंटू टू, 49 माइनस वन 48 प्लस 48 माइनस एक्स अपॉन टू। अब यहाँ पे देखिए टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन। अब आगे देखिए अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत बारीकी वाली चीज है। ये टू से टू कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में है तो एक्स आया यहाँ पे, एक्स को हम इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, तो इसका भी टू हो गया, इसका भी टू हो गया। अब इक्वल 48 और टू 50 हो जाएगा, 49 अपॉन टू इंटू 50 तो 25 माइनस एक्स अपॉन टू। अब यहाँ पे देखिए टू और वन तो क्या हो जाएगा, टू माइनस वन तो वन बचा, तो वन माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं लिख देते हैं वन वन प्लस एक्स, अब आगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स अपॉन टू इक्वल टू 49 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 49 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 ठीक है, माइनस एक्स अपॉन टू वन प्लस टू, तो वन में एक्स अपॉन टू को वन में मल्टीप्लाई किए तो एक्स अपॉन टू आया, और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स अपॉन टू में मल्टीप्लाई हुआ वन वन प्लस टू से, यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू कितना, टू से टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 25, एक्स एक्स इक्वल टू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर से निकालते हैं तो प्लस माइनस 35, मतलब एक्स का वैल्यू जो एक बार 35
और x इक्वल टू माइनस 35, तो क्या आया, x का वैल्यू निकल गया आंसर, x का वैल्यू ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी है, एक चबूतरा है जिसमें कुल टोटल 15 सीढ़ी है, ठीक है, सीढ़ियां जो है कुल टोटल 15 है, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो है लंबाई 50 सेंटीमीटर है और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चौड़ाई है, 1 मीटर, देखिए मतलब कि ये जो चौड़ाई जो है ये चीज वो 1/4 है सीढ़ी की, और 1/2 मीटर का फैलाव है, जो ये फैलाव होता है वो 1/2 है, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए, और क्या संकेत भी दिया गया है, क्या दिया गया है, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4 गुने 1/2 गुने 50 मीटर है, तो पूरे 15 सीढ़ियों को बनाने में कितने कंक्रीट लगी वो निकालना है, उसकी आयतन निकालना है। तो आप क्वेश्चन को समझिए कि ये एक सीढ़ी है, पहली सीढ़ी को हम लेते हैं, 15 सीढ़ी को नहीं, हम पहली सीढ़ी को लेते हैं, तो इसकी चौड़ाई हमारा 1/4 है, इसका फैलाव 1/2 है, तो हम यहाँ से संकेत से चलते हैं, संकेत जो दिया गया कि पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4, 1/4 ये चीज बोल रहा है, यहाँ पे जो चौड़ाई है वो गुने 1/2, इसका फैलाव और उस सीढ़ी की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, तो इससे हमारा पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन निकल सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे 25/4 मीटर क्यूब। अब उसी तरह दूसरी सीढ़ी को निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 1/2 था इसका फैलाव था, अब हम दूसरी सीढ़ी को लेते हैं, तो ये यहाँ पे देखिए ये पूरा हो जाएगा ना इसका चौड़ा, यानी कि 1/2 इसका, 1/2 इसका और 1/2 इसका, दोनों मिलकर कितना फैलाव बनेगा इसका, अब पहली सीढ़ी का तो हम निकाल लिए, तो अब दूसरी सीढ़ी दोनों का फैलाव से बनेगा, तो 1/2 और 1/2, तो 1/2 करेंगे तो 1 आएगा, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे पहली सीढ़ी का फैलाव क्या था 1/2 मीटर था, तो दूसरी सीढ़ी का फैलाव क्या हो जाएगा, दूसरी सीढ़ी का क्या हो जाएगा 1/2 इसका और ये 1/2 इसका, तो 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम 2, 1 मीटर। अब उसी तरह तीसरी सीढ़ी का फैलाव क्या हो जाएगा, अब देखिए अब तीसरी सीढ़ी, तो अब ये पूरा हो जाएगा ना, यहाँ पूरा चल जाएगा ना, 1/2 इसका, ये दोनों का मिला के एक एक हो गया और फिर 1/2, तो यानी 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1, 3/2 मीटर, वैसे आगे होते रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये पहली सीढ़ी में बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन हम अब डायरेक्टली हम आयतन निकाल लेंगे, पहली का तो निकल गया, अब दूसरी सीढ़ी को बनाने में
लगी कंक्रीट का आयतन एक बटे चार गुने, पहली का तो एक बटा दो था, दूसरी का वन हो गया गुने पचास, पच्चीस और दो, पच्चीस बटा दो मीटर। उसी तरह क्या हो गया तीसरी का, तीसरी का क्या हो जाएगा एक बटा चार गुने, अब यहाँ पे थ्री बटे टू गुने पचास, पचहत्तर बटा चार। अब वैसे ही आगे डॉट 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 आगे हमारा तीसरी चौथी वैसी पंद्रह तक में हमारा पंद्रह तक का पूरा निकलेगा। तो यहाँ से एक एपी हमें दिख रहा है, पहली और दूसरी कंक्रीट को सीढ़ी को बनाने में लगा कंक्रीट, कितना का आयतन क्या हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एपी मिलता है, पहली क्या था पच्चीस बटा फोर था, पहली बनाने में पच्चीस बटा फोर, सेकेंड क्या हो गया पच्चीस बटा दो, और तीसरा क्या था पचहत्तर बटा चार डॉट डॉट डॉट। तो हमें क्या करना है, इसी तरह हमें पंद्रह सीढ़ियों को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन निकालना है, मतलब इस फिफ्टीन। तो इस एपी से हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा पच्चीस बटा चार, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा पच्चीस बटा दो माइनस पच्चीस बटा चार इक्वल क्या करें एलसीएम, दो पचास माइनस पच्चीस, पच्चीस बटा चार, ये हमारा डी निकल कर आया। तो अब एस सिक्सटीन निकालते हैं, एन बाई टू फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन टू इंटू टू ए, ए का वैल्यू पच्चीस बटा चार प्लस एन माइनस वन, फिफ्टीन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है पच्चीस बटा चार, अब क्या हो जाएगा पच्चीस बटा दो प्लस ये हो जाएगा फोर्टीन इंटू पच्चीस बटा चार, सात दूनी चौदह दो दूना चार, पंद्रह बटे दो, पच्चीस बटा दो प्लस सात बचे पैंतीस, सात दूनी चौदह और तीन सत्रह, एक सौ पचहत्तर बटा दो। एलसीएम दो पच्चीस प्लस एक सौ पचहत्तर, पांच पांच दस और सात नौ दस, दो सौ पन टू सौ पचास दुना, यानी पंद्रह इंटू पचास, पंद्रह पचे पचहत्तर, सात सौ पचास मीटर क्यूब, यानी पंद्रह सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट की आयतन क्या हो जाएगी सात सौ पचास मीटर क्यूब। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा कर जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।